कि प्रशासनिक कर्तव्यों का पालन करना आपका दायित्व है, उसका निर्वाह करना चाहिए। ये स्वाभाविक है, जब भी आप कोई प्रशासनिक निर्णय लेंगे तो उसमें किसी को लाभ होगा, किसी का हित प्रभावित होगा, लेकिन आप अपने दायित्व के निर्वाह करते हुए, सबके हित को प्रमुख रखते हुए कोई निर्णय लेते हैं, उसमें किसी का हित हो जाए तो आपका कोई अपराध नहीं, लेकिन किसी का अहित करने के उद्देश्य से आप कोई निर्णय लेते हैं तो अनुचित है। हमारी समझदारी केवल इतनी होनी चाहिए कि मैं जो भी निर्णय लूं उसमें सबका हित सद सके। अब इसमें किसी को तकलीफ हो तो मेरा उद्देश्य तो तकलीफ देने का नहीं रहा। हर व्यक्ति को जो एक प्रशासनिक अधिकारी है उसका पहला कर्तव्य है कि वे एक अच्छा प्रशासन दें, और अच्छा प्रशासन का मतलब, अच्छा प्रशासक होने का मतलब ये नहीं कि वो सख्त रहे, अपितु वो प्रतिबद्ध रहे। सख्ती में तल्खी है और प्रतिबद्धता में निष्ठा, कमिटमेंट का धनी होना चाहिए, जिस जो दायित्व उसके कंधों पर है उसे उसका सम्यक रीति से निर्वाह करना चाहिए। अगर भावनाओं में बहकर वो अपने दायित्व से विमुख होता है तो यह एक प्रकार की कर्तव्य के प्रति लापरवाही है, ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, श्रीमती ज्योति जैन भोपाल जो अपना अनुभव भावनाओं से संबंधित प्रस्तुत करेंगे, उसके बाद तैयार रहेंगे राष्ट्रपति पुरस्कार पुरस्कृत प्रोफेसर सुदर्शन जी जैन भोपाल। मंचासीन दोनों मुनि राजो को मेरा नमोस्तु, त्रिवार नमोस्तु, भगवान नमोस्तु, भगवान नमोस्तु। गुरुवर, मुझे सन 14 में, 17 जुलाई 14 को ब्लड कैंसर हुआ था, और आपका आशीर्वाद मुझे 22 जुलाई 14 को मिला था मेरे बहनोई मनोज बांगा और प्रीति के द्वारा। आपने अपना आशीर्वाद भेजा था और जाप भी बोली थी। जब से गुरुवर मैं निरंतर जाप करती हूँ और धर्म लाभ में आगे बढ़ती जा रही हूँ। फिर गुरुवर मेरे को आपके दर्शन सन 17 में भिंडर में हुए, पहली बार हुए गुरुवर मेरे को आपके दर्शन भिंडर में। उसके बाद अब भोपाल में आपका समागम मिला, मैं धन्य हो गई गुरुवर आपके दर्शन पाके। गुरुवर मैंने सन 18 में आपका रतलाम में जो भावना योग शिविर लगा था वो मैंने अमेरिका में देखा था। मैं अमेरिका में थी उस समय अपने बेटे के पास। मैंने गुरुवर जब से ही भावना योग करना शुरू किया, मुझे 2 साल हो गए भावना योग करते करते, इतना लाभ है मुझे गुरुवर कि मुझे कभी एहसास ही नहीं होता कि मुझे ब्लड कैंसर है। और मुझे गुरुवर 6 साल हो गए, और मुझे भगवान इतनी शक्ति मिलती है भावना योग से और आप लोगों के आशीर्वाद से। गुरुवर आप तो मेरे लिए भगवान साबित हुए, मेरे पास शब्द नहीं है आपका कुछ कहने के लिए। गुरुवर अभी मैंने सिद्ध चक्र विधान में आपके सानिध्य में 8 उपास करे थे। गुरुवर किसी को मेरे चारों तरफ मेरे पर बहुत दबाव था उपास नहीं करोगी, आपके पास भी सूचना पहुंच गई थी, फिर आपने मुझे बुलाया था। लेकिन गुरुवर मुझे इतनी शक्ति मिलती है, जब से मुझे कैंसर हुआ है तब से मैं भगवान इतने उपास व्रत करती हूँ। मैं 6 महीने रही थी अमेरिका में, और मैं 24 साल से अष्टमी चौदस करती हूँ। 12 महीने मैंने गुरुवर निर्जला जो अष्टमी चौदस 6 महीने की उपास 10 लक्षण के निर्जला किए, और गुरुवार आज मैं स्वस्थ हूँ। अभी मेरी 18 तारीख को जांच हुई थी, कोई कमी नहीं निकलती गुरुवार मुझ में, और ना मुझे देख के कोई कह सकता है कि मुझे ब्लड कैंसर है। बहुत सुंदर गुरुवार, मैं आज आपका शिविर अटेंड करना चाहती थी, आपने मुझे अनुमति दी भावना योग शिविर अटेंड करने की। गुरुवार अब मैं ये चाहती हूँ कि आपका आशीर्वाद मुझ पर हमेशा बना रहे, और गुरुवार मैं सिद्ध चक्र विधान से भी एक अपना शेयर करना चाहती हूँ। मेरी बहन कीर्ति रायपुर से आई थी आपके सानिध्य में, मेरे बहन नहीं रहे अभी, उसको भी आप आशीर्वाद दीजिए गुरुवर। गुरुवर सिद्ध चक्र विधान उसने किया गुरुवर, वो 8 6 7 साल से जमीन पे नहीं बैठ पाती थी, और सिद्ध चक्र विधान के 6वें दिन गुरुवर वो पालथी मार के जमीन पे बैठी, और 3 दिन उसने जमीन पे बैठ के सिद्ध चक्र विधान किया। मैं सभी बहन भाइयों से यही कहती हूँ, आप
धर्म पे इतनी श्रद्धा रखो, इतनी श्रद्धा रखो कि आपकी बीमारी आपको छू भी नहीं सकती। मुझे देखिए, मेरे को कभी एहसास नहीं होता कि मुझे इतनी बड़ी बीमारी है और ना मैं अपने ऊपर बीमारी को हावी होने देती हूँ। शायद यहाँ बहुत लोग मुझसे कहते हैं तुम ये गलत करती हो क्योंकि दवाई मुझे रूटीन में खाना पड़ती है, पर गुरुवार मेरी बीमारी थी लेकिन मैंने कभी अष्टमी चौदस दवाई नहीं खाई, कभी व्रतों में दवाई नहीं खाई, क्योंकि जितनी आयु है उतनी ही मिलेगी गुरुवार, क्योंकि आपका यही उपदेश है। गुरुवार मैं यही भावना भाती हूँ कि मैं इसी तरह धर्म के रास्ते पे आगे बढ़ती जाऊं और यही मेरी भावना है। गुरुवार एक और बात है, मेरी शादी तो समैया समाज में हुई थी गुरुवार, पर ये मेरे पति हैं, इन्होंने गुरुवार कभी द्रव नहीं चढ़ाई मंदिर में, पूजा बहुत शांत है, इनका पूरा सपोर्ट मुझे रहता है, लेकिन गुरुवार अभी आपके सानिध्य में इन्होंने सिद्ध चक्र विधान निर्जला, और गुरुवार शुगर वीपी के हाई पेशेंट होने के बाद भी इतने अच्छे से किया है गुरुवार कि मैं धन्य हो गई आज। और गुरुवार ये आपके ना कोई प्रवचन छोड़ते हैं ना कोई शंका समान, आपको इतना मानते हैं, इतना मानते हैं कि मैं क्या बताऊं गुरु। वो गुरुवार अपना आशीर्वाद इसी तरह बनाए रखना और मुझे इतनी सारी शक्ति देते रहना गुरुवार, और सोनागिरी पधारो गुरुवार, हमें यही भावना बांटती हो। देखिए, सबसे पहले तो आप सबको इनके शुभ भाव का अनुमोदन करना चाहिए और इनको अपनी ओर से साधुवाद देना चाहिए। इनकी दृढ़ता और श्रद्धा और पराक्रम का परिणाम है ये। बीमारी चाहे जिस किसी को होती है, पर बीमारी उसे ही प्रभावित करती है जो उसे अपने ऊपर हावी कर लेते हैं। इन्होंने जो कुछ भी उपलब्धि पाई है ये अपनी दृढ़ता और श्रद्धा के बल पर पाई। बीमारी इनसे हार गई, ये बीमारी से प्रभावित नहीं हुए। जहाँ तक भावना योग का सवाल है, इन जैसे अनेक लोगों के जीवन में उसका चमत्कार घटित हुआ है, बशर्ते जिन्होंने इसे ठीक रीति से अपनाया। आप भी अगर इसे ठीक ढंग से करेंगे तो ये एक अमोघ अस्त्र है, इसका प्रयोग करें, लोग प्रेरणा लें। आप कल्पना कर सकते हैं कि कैंसर से पीड़ित व्यक्ति 28 के 8 दिन के उपवास और पूरा विधान संपन्न कर ले, जिसमें 4-4 बजे तक बैठना पड़े फिर 5 बजे से, ये कोई साधारण बात नहीं है। ये इनके उच्च मनोबल और दृढ़ श्रद्धा का प्रतिफल है। मैं भावना भाता हूँ आपकी श्रद्धा ऐसी बनी रहे और आपको देखकर लोगों की श्रद्धा जगे और वो धर्म से जड़े। आपके पति देव के जीवन में भी जो परिवर्तन आया है, मैं चाहता हूँ और भावना भाता हूँ कि वो परिवर्तन स्थायी बने रहे और अपने मनुष्य जीवन को सार्थक करे। डॉक्टर साहब, प्रोफेसर डॉक्टर सुदर्शन जी जैन, जो राष्ट्रपति विकास से पुरस्कृत हैं, जैन कट के वरिष्ठ विद्वान और सेवा तैयार रहेंगे, श्री आरसी जैन, अवकाश प्राप्त अपर आयुक्त हाउसिंग बोर्ड। परम आदरणीय गुरु जी को मेरा सत सत नमन। आचार्य श्री ने आपके साथ अरह सागर जी को क्यों लगाया, तो मैं सोचता हूँ ये हूँ कि शायद आपकी अर्हता योग्यता को देख करके उन्होंने आपको अरह सागर जी के साथ में आपको लगा दिया है। आपकी पूज्यता धन्य है। सारा समाज मैं देख रहा हूँ कई दिनों से, भवन गजा से भी देख रहा हूँ और आपका सिद्धवर कूट से भी देख रहा हूँ मैं, कि जो आपका भक्त है यहाँ वो एक के साथ साथ कई अनेक भक्तों को बनाता चला जा रहा है। मेरी बड़ी पीड़ा है कि आपका मेरे ऊपर बड़े उपकार हैं। गुणायतन के बारे में मैंने आपको शुरू शुरू में बताया था और आपने उसको चरितार्थ कर दिया, बहुत बड़ी भारी उपलब्धि यहाँ पर हुई। दूसरा, आपने हमारा अभिनंदन ग्रंथ का विमोचन कराया। मेरे अंदर जो कुछ कीड़ाएँ हैं, कुछ शंकाएँ बहुत सारी हैं, जो जिज्ञासाएँ हैं, पढ़ता हूँ, जितना पढ़ता हूँ उतना ही लगता है अभी तो कुछ नहीं आता, इतना पढ़ने के बाद भी। तो जब चिंतन करता हूँ तो ये समझ में आता है कि अभी और पढ़ना। पर अब मैं सोच ये रहा हूँ कुछ सामान्य रिटायरमेंट के बाद, कि ये जो कुछ काम है, आपने भी इसका संकेत किया था कि जो तीर्थ स्थान है हमारे, उन तीर्थ स्थानों पर आदमी क्यों नहीं रह रहा है, हमारे तीर्थ स्थानों की रक्षा कैसे हो। तो आपने बताया था कि वहाँ के जो गांव के जो लोग हैं
उन सब गांव के लोगों के साथ अगर हम तादाद बैठा लें, उनके साथ एक अच्छे मधुर संबंध बना लें, तो वो सब भी हमारे तीर्थ स्थान की रक्षा करेंगे। इसी तरह अगर आज हम चाहते हैं कि हमारे समाज के लोग चुनाव जीत करके सांसद बने, विधायक बने, तो हमारे लिए वही काम करना पड़ेगा। अगर हम ऐसे काम करें जिससे जन सामान्य का, केवल जैन का नहीं, जन सामान्य के साथ हमारा संपर्क बढ़ सके, स्कूल बनाना, प्याऊ बनाना, बहुत सारी चीज़ें हैं जो जनता के लिए हम काम ऐसे करेंगे, तो निश्चित रूप से हमें टिकट भी मिलेगा और हम आगे जाके जीतेंगे भी निश्चित, कभी टिकट नहीं मिलेगा, जीतेंगे भी। तो अगर इस तरह के हमको एक प्रक्रिया करना चाहिए। दूसरी बात यह है कि आपने भी संकेत किया था, देखो भीख मांगना अच्छा नहीं, भीख देना अच्छा नहीं। मेरा कहना यह है कि हमारे समाज के अंदर जो गरीब तबका है, मैंने आप पढ़ा देखा कि वास्तव में बहुत से गरीब लोग वहाँ दिखाई पड़ रहे हैं, तो हम तो देख नहीं पा रहे थे, पर अब देखना पड़ रहा है कि ऐसे लोगों को कैसे काम दिया जाए। उनको हमारे लिए काम देना चाहिए ताकि वो अपने पैर पर खड़े हो सके। ये आपकी भी भावना है, तो मैं चाहता हूँ इस दिशा में जो भी हो, और मैं इसमें सक्रिय रूप से काम करने को भी तैयार हूँ। डॉक्टर साहब, आपके दोनों प्रस्ताव बड़े स्वागत योग्य हैं, और इस तरह के क्षेत्र में हमें अब अपनी पैठ बनानी चाहिए। एक समय था जब जैनों का राजनीतिक प्रभुत्व बहुत अच्छा था, दिनों दिन वो छीन हो रहा है। इसी तरह हमारी समाज भी कई मोर्चों पर बड़ी कमजोर साबित हो रही है। इस विषय में बहुत गंभीरता से विचार अपेक्षित है। हमें समाज में एक और राजनीतिक चेतना जागृत करने की अपेक्षा है, तो दूसरी ओर साधर्मी वात्सल्य की भावना को और प्रगाढ़ बनाने की जरूरत है। यदि इन दोनों मोर्चों पर हम सफल होते हैं तो हम समाज का जो स्वरूप है उसे बदलने में समर्थ होंगे। मुझे प्रसन्नता है कि आपने इस दिशा में अपना समय देने का मन बनाया है। मैं भी चाहता हूं और आह्वान भी करता हूं कि ऐसे लोग जो इस तरह के कार्यों में अपनी रुचि रखते हैं संपर्क करें और एक अच्छी कार्य योजना बनाकर इस दिशा में काम किया जाए। श्री आरसी जैन साहब, आकाश प्राप्त अपर आयुक्त हाउसिंग बोर्ड वातायात रहेंगे। सुश्री ज्योति जैन, शंकराचार्य नगर। ओम शीघ्रताशय। पहले से माइक दिया करो, दूसरे नाम की घोषणा होती है तो खड़े हो जाएं अपने स्थान मंच पर। आसीन दोनों गुरुदेवों को हमारी ओर से, मेरे परिवार की ओर से, नायक परिवार की ओर से बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुवर, आपने अपने प्रवचनों में हमेशा चार बातों का विशेष उल्लेख किया गया है। मेरी ओर से आज गुरुवर आपके समक्ष चार बातें ही रखी जा रही है, कृपया उसका समाधान करें। गुरुदेव, मित्र, पुस्तक, रास्ता और विचार अगर गलत हो तो गुमराह कर देते हैं, और यदि सही हो तो जीवन को सही रास्ता दिखा देते हैं। तो गुरुदेव, मेरा प्रश्न यह है कि इन चारों में श्रेष्ठता किसको दी जाए, शंका का समाधान करने का कष्ट करें। मित्र, पुस्तक, रास्ता और विचार यदि गलत हो तो जीवन को बिल्कुल गुमराह कर देंगे। मैं तो आपसे कहता हूं, आपने पूछा चारों में किसे प्रमुखता दी जाए, कायदे से तो चारों को प्रमुखता देना चाहिए, पर यदि कदाचित ऐसा संभव नहीं है तो चारों में यदि हमारे विचार अच्छे हैं तो चाहे कैसी पुस्तक हो, चाहे जैसा रास्ता हो और चाहे जैसा मित्र हो, हम अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में सफल हो सकेंगे। सुश्री ज्योति जैन, संगाचार नगर, बतियार रहेंगी। श्रीमती आकांक्षा जैन, 1100 क्वार्टर, भोपाल। नमोस्तु गुरुवर, मेरा प्रश्न यह है कि वर्तमान समय में युवा पीढ़ी जो अपनी पढ़ाई और करियर पे इतना फोकस करती है और इतना समर्पित दिखाई देती है, वहीं वो कहीं ना कहीं धर्म और अपने परिवार के प्रति के दायित्व को भूलती जा रही है या उसे दूसरी प्राथमिकता देती है, तो ऐसा करना या ऐसा करने से क्या उनके भविष्य उज्जवल बन रहा है या अंधकार में ढल रहा है, कृपया गुरुदेव मार्गदर्शन। आज जो कैरियर की बात है ना, वो एक प्रकार का कैरियर बन रहा है, समझ रहे ना, कैरियर समझ गए क्या, जो ढोने बोझा ढोने का साधन, लोग ढो रहे हैं कैरियर के नाम पर। एक बार एक युवक आया,
उसके परिवार के लोगों ने मुझसे कहा महाराज इसके थोड़ा समझाए। मैंने पूछा भाई क्या बात है, बोले महाराज अभी मैं अपने कैरियर के प्रति पूरी तरह से कमिटेड हूँ। बोले ठीक है, तुम्हारे कैरियर का मतलब क्या है? बोले महाराज मैं पूरी पढ़ाई करके अच्छी कंपनी में जॉब करना चाहता हूँ, आगे बढ़ना चाहता हूँ। हमने कहा बिल्कुल तू ये सब कर, पर ध्यान रख कैरियर का मतलब केवल ये नहीं है कि जिंदगी के गुजारे की बात सीखो, कैरियर अगर देखना है तो ब्राइट कैरियर बनाओ, यहाँ भी और वहाँ भी भाव भाव में। और वह तुम्हारा कैरियर बनाने के चक्कर से नहीं होगा, कैरेक्टर संभालने से होगा। इसलिए अपने कैरेक्टर पर भी हमें ध्यान देना चाहिए। आपकी पढ़ाई से आपका ये बाहरी जीवन व्यवस्थित होता है, लेकिन धर्म आपके आंतरिक जीवन को व्यवस्थित करता है। हमें दोनों को साथ लेकर के चलना चाहिए। आप ग्रेजुएट बने या ना बने, ग्रेट बनने की कोशिश जरूर करें। श्रीमती आकांक्षा जैन 1100 क्वार्टर भोपाल रहेंगे। डॉक्टर राशि जैन मंच पर आसीन दोनों गुरुवरों को मेरा नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। हे गुरुवर, हमें जो कुछ भी जीवन में प्राप्त है वह सब कुछ तो नहीं, परंतु हम उसमें फिर भी संतुष्ट हैं। संतुष्ट रहते हुए हम ऐसा क्या करें कि हम सब कुछ प्राप्त करने के योग्य बन जाएं? जो प्राप्त है उसके में हम संतुष्ट हैं, और संतुष्ट रहते हुए हम ऐसा क्या करें कि सब कुछ प्राप्त करने के योग्य हो जाए? कुछ मत करो, जो है उसको सब कुछ मान लो, फिर कुछ करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। आगे डॉक्टर राशि जैन, और उसके बाद तैयार रहेंगी दीपा जैन अनुशासन पाठशाला। जो मंचासीन दोनों गुरुवर को मेरा नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुवर, मैं पिछले कई वर्षों से 3 वर्षों से मैं और मेरा परिवार सड़क पर रह रहे पशुओं का, विशेष कुत्तों का देखभाल करते हैं एवं उनकी सेवा कर रहे हैं। इन पशुओं में विशेषकर कुत्ते हैं। हम रोज उन्हें भोजन देते हैं, इवन बीमार होने पर उन्हें दवाइयां भी देते हैं। मैंने अपने ग्राउंड फ्लोर पर मेरे गैरेज में एक शेल्टर भी उन लोगों के लिए बनाया है, जिसमें बीमार कुत्ते ही विशेष रहते हैं। इलाज करने पे जब वो ठीक हो जाते हैं तो हम उन्हें छोड़ दिया करते हैं। गुरुवर, अभी मेरे घर पर एक बहुत बीमार डॉग है, जो उठने बैठने चलने फिरने में बहुत अशक्त होता जा रहा है। उसे कैनाइन डिस्टेपर नामक बीमारी हुई है। उसकी हम सेवा तो करते हैं लेकिन उनका कष्ट नहीं देखा जा रहा। डॉक्टरों को बताने पर यह बताया गया कि उसे कैनाइन डिस्टेपर है, तो उसे यूथनाइज्ड मतलब कि इंजेक्शन देकर उसके मौत दें, ये हमें मंजूर नहीं। तो उसका कष्ट दूर करने के लिए एक हमको मार्गदर्शन दें। और साथ ही लोग बोलते हैं कि आपके घर पे आप कुत्ते रखते हो तो आप महाराजों का चौका नहीं लगा सकते, तो इसका मार्गदर्शन दीजिए। देखिए, आप जो काम कर रही हैं बिल्कुल सही कर रही हैं, इसमें गलत कुछ भी नहीं है। हमारे यहाँ कहा गया है क्लिष्टे सुजीवे सुकृपा परत्तम, क्लिष्ट जीवों को, दीन दुखी जीवों पर मेरे ओर से करुणा स्रोत बहे की उक्ति हम जो कहते हैं आप उसे चरितार्थ कर रहे हो। कोई भी अगर पीड़ित प्राणी है उसकी सेवा करना हमारा धर्म है, दायित्व है, आप करते रहिए। हाँ, सेवा करना और पालना, इसमें अंतर है। हमारे शास्त्रों में क्रूर प्राणियों को पालने का निषेध किया, इसलिए कुत्ता बिल्ली आदि क्रूर प्राणियों को पालने का हम लोग निषेध करते हैं, उसे मत पालिए। पर ऐसा नहीं है कि उनको रोटी मत दें। हमारे यहाँ कुत्ते को रोटी डालने की व्यवस्था है, जो गली के कुत्ते रहते हैं उनको रोटी डालने की परंपरा है। तो आप वही काम कर रही हैं, पालना अलग है और संभालना अलग है। आप संभाल रही हैं, पाल नहीं रही हैं, इसलिए कोई कठिनाई नहीं। जहाँ तक आपके घर में बीमार कुत्ते का सवाल है, बिल्कुल आपने सही निर्णय लिया, आप उसे मार नहीं रहे। मैं तो आपको सुझाव दूंगा उसे रोज नमोकार सुनाओ। और जीवंधर कुमार ने एक कुत्ते को नमोकार सुनाया था, वो जीवन भर उसका मित्र बना और मित्रता निभाया। आप भी ऐसा करो, पता नहीं ये देखने में कुत्ता है कल क्या बन जाए। आचार्य समत भद्द महाराज कहते हैं, स्वापि देवोपि देवः स्वाजायते धर्म किल विषाद, कापी नाम भवे दन्यात संपत धर्माच्छरी जाना। अर्थात कुत्ता देव हो जाता है और देव कुत्ता हो जाता है। धर्म के प्रताप से कुत्ता मरकर देव बनता है और पाप के प्रकोप से देवता मरकर कुत्ता बन जाता है।
ये तो संसार का खेल है, आप धर्म भाव से करते रहिए मेरे विचारों से, और जितना मैंने आगम को समझा उसके आलोक में आप कुछ भी गलत नहीं कर रहे। महाराज जी चौका लगा सकते हैं ना? हाँ, अगर नीचे शेल्टर है ऊपर आप लगा सकते हैं। दीपा जैन अनुशासन पाठशाला से तैयार रहेंगे, अर्चिता से अनुशासन पाठशाला, अर्चिता खड़े हो जाओ। नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। लेकिन इनकी आड़ में जो पाल रहे हैं उनको अनुमति नहीं है, जो उनको चारों तरफ घूमते रहते हैं यहाँ तक कि उनके रसोई में भी उनकी अनुमति नहीं है। गुरुवर आज हम देख रहे हैं कि सरकार के द्वारा बहुत सारी योजनाएं चलाई जा रही हैं, यदि उनका हम सही तरीके से क्रियान्वयन करें तो हमारे देश की अर्थव्यवस्था एक विकसित अर्थव्यवस्था के रूप से सामने आ सकती है, परंतु भ्रष्टाचार और स्वार्थ के कारण असहाय लोगों तक उन योजनाओं का लाभ ही नहीं पहुंच पा रहा है, तो उन लोगों का विश्वास भी हमारे प्रशासनिक क्षेत्र से उठता जा रहा है। फिर गुरुवर हम लोग जाकर उस प्रशासन क्षेत्र में ऐसा क्या करें जिससे उनका विश्वास भी बढ़े और वो अपनी प्रगति की ओर जागरूक हो। देखिए आपने एक ऐसी समस्या खड़ी करी है जिसका कोई सहज समाधान नहीं दिखता, पूरा सिस्टम ही गड़बड़ हो गया। हमारे देश के प्रधानमंत्री तक ये कह चुके हैं अतीत में कि हम एक रुपया भेजते हैं तो 15 पैसा ही पहुंचता है, आज भी ये स्थिति, पूरा तंत्र है उसे संभालना होगा। और ये तभी संभव होगा जब हर कोई व्यक्ति अपनी जिम्मेदारी को समझेगा, अपने राष्ट्रीय कर्तव्यों को समझेगा और भ्रष्टाचार से मुक्त होने का संकल्प लेगा। आप अपने से शुरुआत कीजिए कि अगर मुझे कोई प्रशासनिक दायित्व मिलता है तो मैं ईमानदारी से अपना काम करूंगी, और ऐसी शुरुआत में एक एक करके अगर करेंगे तो सैकड़ों लोगों में बदलाव आएगा, कल पूरी व्यवस्था बदल जाएगी। अर्चिता सेठ अनुशासन पाठशाला, उसके बाद तैयार रहेंगी सुलेखा राजेश जैन सूत वाले भोपाल। नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी मेरा सवाल ये है, समाज में हर व्यक्ति के अपने विचार विश्वास और अपनी मान्यताएं होती हैं और प्रायः हर व्यक्ति उसी को श्रेष्ठ मानते हुए आगे बढ़ता है। ऐसी स्थिति में यदि हम राष्ट्रीय स्तर पर देखें, सामाजिक स्तर पर, यहाँ तक कि पारिवारिक स्तर पर भी देखें तो वो गतिरोध का कारण बन जाता है, लोगों में झगड़े होने लगते हैं। तो व्यक्तिगत तौर पर हम कैसे लोगों के विचारों के बारे में स्वीकार्यता विकसित कर सकते हैं जिससे कि दूसरों के विचारों का सम्मान करते हुए हम आगे बढ़ पाएं? वैचारिक सहिष्णुता को बढ़ाकर। विचार अलग होने में कोई बुराई नहीं है, विचार भेद होना कतई बुरा नहीं, बुराई है वैचारिक टकराव। विचारों में टकराव ना होने दें, विचारों में सामंजस्य स्थापित करें, और यह सामंजस्य तभी स्थापित होगा जब हम एक दूसरे के विचारों के प्रति सहिष्णु होंगे। मालूम है कि हमारे विचार सामने वाले के विचार मेल नहीं खाते, आज तो दूर मत जाइए, घर में ही दो हैं अगर पति और पत्नी है, इनके भी आपस में विचार मेल नहीं खाते, लेकिन कहीं एडजस्टमेंट करना चाहिए। और जो ऐसा एडजस्टमेंट करने की कला अपना लेते हैं उनके जीवन में बड़ी समरसता होती है, और जो अडामेंट रहते हैं उनका जीवन छिन्न भिन्न हो जाता है। मैं एक ऐसे दंपति को जानता हूं जिसका पति परम धार्मिक और पत्नी को धर्म के नाम से ही चिढ़, ऐसा कम होता है, उल्टे दिखता ही है कि पत्नियां धार्मिक होती पति कम, पर उनके साथ उल्टा हुआ, पति परम धार्मिक और पत्नी को धर्म के नाम मात्र से चिढ़, लेकिन दोनों में बड़ी गजब का सामंजस्य है। अगर पति मंदिर आता है पत्नी बाहर खड़ी रहती है, पति पत्नी को नहीं कहता कि मंदिर चलो, और पति अगर मंदिर आता है तो पत्नी पति को नहीं रोकती कि आप मत जाओ, दोनों ने तय कर रखा है तुम्हारी जो रुचि वो तुम करो, हमारी जो रुचि वो हम करेंगे, हम लोग दोनों एक दूसरे के धार्मिक मामले में गतिरोध नहीं करेंगे, इंटरफेयर नहीं करेंगे, चल रहा है काम। इसको बोलते हैं विसंगति में संगति। यदि ये कला हमने विकसित कर ली तो फिर कितने भी विचार भेद हो वैचारिक टकराव नहीं हो सकता। सुलेखा राजेश जैन सूत वाले भोपाल से तैयार रहेंगे श्री राहुल राजकुमार जैन कटनी। मंचासीन गुरुवरों को पूरे सूत वाला परिवार की ओर से नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी आजकल
भारतवर्ष में जैन समुदाय की संख्या, वैसे ही हम लोग अल्पसंख्यक में आकर खड़े हो चुके हैं, ऐसे में एक चिंता का विषय है। आज इंटरकास्ट मैरिज सामाजिक व्यवस्था बनती जा रही है, ऐसे में जब दूसरे समाज से आई हुई बहू के लिए हम सामाजिक व्यवस्था की वजह से धार्मिक क्रियाओं जैसे अभिषेक पूजन, अभिषेक और आहार आदि से वंचित कर दिया जाता है, साथ ही उस परिवार को भी। ऐसे में हमारे लिए उनको आगे बढ़ाना चाहिए और अपने संस्कारों से जोड़ना चाहिए। ऐसे में वो पूरा परिवार धर्म से विमुख हो जाता है और धर्म से जुड़ नहीं पाता, ऐसे में वो भावी पीढ़ी को जैन संस्कार कैसे देगी, ये चिंता का विषय है। प्लीज सम्यक समाधान दीजिए। मैं इंटरकास्ट मैरिज को फेवर नहीं कर रही हूँ महाराज जी। इस विषय में अनेक बार प्रकाश डाला जा चुका है। सबसे पहले तो हमें जड़ में जाना चाहिए। समाधान इसमें नहीं है कि जो विधर्म विवाह करके आए हैं उनको हम किस तरह से अपनाएं। सबसे बड़ी समस्या तो ये है कि इसे रोका कैसे जाए, क्योंकि ये जड़ में ही घुन है। ये हमारी समाज की व्यवस्था को खोखली कर रही है। इससे आने वाले समय में हमारी जो सामाजिक समरसता है वो खंडित होगी, हमारी सामाजिक पहचान खंडित होगी। शास्त्र की भाषा में कहें तो वर्ण लाभ की जगह वर्ण शंकर होगा, सारी परंपराएं छिन्न भिन्न हो जाएगी। इसलिए इस तरह की प्रवृत्तियों को हमें प्रोत्साहित नहीं करना चाहिए। हाँ, लेकिन जिन्होंने ऐसा कर लिया है उसका बहिष्कार भी ठीक नहीं। मुझे तो बहिष्कार शब्द ही पसंद नहीं है। मैं कभी किसी के बहिष्कार की बात में विश्वास नहीं करता। मैं हमेशा संस्कारों का पैरोकार रहता हूँ, संस्कार की बात करता हूँ। हम बहिष्कार न करें, संस्कार दें। हाँ, उन्हें सिर पर भी ना बिठाएं तो पाँव से भी ना कुचलें। सिर पर बिठाने से राजमार्ग बनता है और पाँवों से कुचलना या अनादृत करने से रास्ता बंद होता है। हमें न तो राजमार्ग बनाना है न रास्ता बंद करना है, बीच का रास्ता निकाल कर संस्कार देकर उन्हें स्थिर करने की कोशिश करनी चाहिए। जहाँ जैसी सामाजिक व्यवस्थाएं हैं उसके अनुरूप ये सारी क्रियाएं होती है। लेकिन ये बात तय है, बहिष्कार समाधान नहीं है। हमें दोनों स्तर पर इस पर गंभीरता से विचार करना चाहिए। श्री राहुल राजकुमार जैन कटनी से तैयार रहेंगे। डॉक्टर शशि प्रभास जैन भोपाल। कटनी से विजय कुमार जी और समस्त परिवार की ओर से महाराज जी को त्रिवार नमस्तु। महाराज जी, कंपनी से मुझे कुछ शेयर हर क्वार्टर सैलरी के रूप में मिलते हैं, क्या उससे मुझे जुए का दोष लगता है? क्या कंपनी से हर क्वार्टर मुझे कुछ शेयर सैलरी के रूप में मिलते हैं, क्या उससे मुझे शेयर का दोष जुए का दोष लगता है, और क्या मुझे उन्हें तुरंत बेच देना चाहिए? देखिए, अगर शेयर को जुआ मानते हैं तो गलत अवधारणा। शेयर जुआ नहीं है, शेयर एक व्यापार है, वो एक प्रकार का इन्वेस्टमेंट है। आपने किसी कंपनी का कोई शेयर खरीदा, यानी उस कंपनी में आपने अपना उतना प्रतिभाग सुनिश्चित किया, ये एक प्रकार का व्यवसाय है, जुआ नहीं है। शेयर जुआ कब है? जब फ्यूचर आप करते हैं, फ्यूचर फाटका आप करते हैं तो जुआ है, डिलीवरी में जुआ नहीं है। लेकिन हमें देखना चाहिए कि किस कंपनी का शेयर ले रहे हैं, उस कंपनी का उत्पाद क्या है, वो कंपनी करती क्या है, उसका कोई प्रोडक्ट हिंसक तो नहीं है। इन बातों का हमें ध्यान रख करके ही शेयर में अपना पैसा निवेश करना चाहिए। और शेयर के संदर्भ में कंपनी आपको शेयर देती है, आप लेते हैं, कोई ज़रूरी नहीं आप उसे बेचें, बशर्ते आप सही कंपनी में काम कर रहे हैं। पर दो तीन सुझाव शेयर के संदर्भ में आप सबसे दूंगा कि बहुत दिन बाद आज शेयर का फिर से सवाल आया। शेयर का व्यापार मत कर रहा हूं, क्योंकि मैं देखता हूं कि शेयर बाजार का काम कैसा है। एक पंक्ति में मैं उसकी समीक्षा करता हूं, जिस कारोबार में माल खरीदने के बाद दाम घटे और बेचने के बाद बढ़ जाए उसका नाम शेयर बाजार, जो खरीदने में भी रुलाए और बेचने में भी रुलाए उसका नाम शेयर बाजार है। इसलिए बहुत सोच समझ करके काम करना चाहिए। अगर निवेश भी करते हैं तो उन्हें करना चाहिए जिनके पास पैसा सरप्लस है, और अपनी कुल संचित निधि का एक छोटा सा हिस्सा ही उसमें इन्वेस्ट करना चाहिए,
क्योंकि आजकल के समय में शहर का जो धंधा है बेवकूफ बनाने का धंधा है। कुछ लोग समूह बनाकर प्रमोटर बन जाते हैं और लोगों को टोपी पहनाकर अपना उल्लू सीधा कर देते हैं। एक कहानी सुनाता हूँ आज शेयर बाजार के संदर्भ में, जो लोगों के लिए आज फिर से संदेश देंगे। मुझे लगता है 2 साल बाद आज शेयर बाजार की फिर से चर्चा आ रही है। यद्यपि मुझसे जुड़े हुए बहुत सारे लोग हैं जो शेयर बाजार का काम करते हैं, सब लोग ऐसा नहीं है, लेकिन फिर भी जो व्यवस्थाएं, एक शेयर बाजार से संबद्ध व्यक्ति ने एक किस्सा मुझे सुनाया था, वो मैं आज आप लोगों को सुना रहा हूँ। एक गांव में बंदरों का बड़ा आतंक था, लोग बड़े परेशान थे। वहां एक सेठ पहुंचा और सेठ ने कहा हमें बंदर चाहिए और 100-100 रुपए में हम बंदर खरीदेंगे। गांव के लोगों ने सोचा कि चलो बंदरों से मुक्ति और 100 रुपए का फायदा। सारे गांव भर के लोग मिल जुट गए, बंदरों को पकड़ा और जैसे तैसे पकड़ करके 200 बंदर इकट्ठे कर पाए। सेठ ने 200 बंदरों को 100-100 रुपए दे करके पेमेंट दिया, ले लिया, अपना एक आदमी बिठाया, बंदरों को वहीं रखा, वो आदमी वहीं देखभाल कर रहा था। सेठ ने खबर किया मुझे और बंदर चाहिए, तो बोले अब हम 150 देंगे। 25-30 बंदर और मिल गए, वो ले आए। सेठ ने कहा मुझे और बंदर चाहिए, अब मैं 200 रुपए में बंदर खरीदूंगा। लोगों ने देखा इधर उधर खुच के 10-5 बंदर और पकड़ ले आए। फिर बोला भैया सेठ ने कहा हम 300 में बंदर खरीदेंगे। अब कहीं बंदर ही नहीं, तो उसके मुनीम ने कहा देख बंदर को कौन पहचानता है, ये हमारे बंदर है, 150 में ले लो, 300 में बेच देना। 150 में ले लो, 300 में बेच देना। अब लोगों को प्रस्ताव समझ में आ गया, जितने बंदर थे सबने 150 में खरीद लिए, वो आदमी कहां गया, आज तक लौट के नहीं आया। समझ गए, ये शेयर बाजार का धंधा है, आज ये हो रहा है, इसमें लोग बेवकूफ बन रहे हैं, शीर्ष स्तर के लोग कमा रहे हैं, बाकी का बंटा धार है, इसलिए बहुत सोच समझ करके निवेश करना। डॉक्टर शशि प्रसाद जैन, उस वक्त याद रहेंगे डॉक्टर सुधीर जैन भोपाल। जल्दी नहीं है, अगला बोलिए। डॉक्टर सुधीर जी, और उसके बाद तैयार रहेंगे डॉक्टर सुधीर, यही दीजिए दीजिए अपना माइक दे दीजिए। श्रीमती अर्चना अजय राजे जैन, शिवाजी नगर भोपाल। खड़े गई जिनका नाम का घोषणा हुआ है। नमस्ते गुरुवर। ओ गुरुवर, अभी आपने जैसा कि मार्गदर्शन दिया है, एक बहन ने पूछा था कि प्रशासनिक व्यवस्था में भ्रष्टाचार बहुत है, स्वार्थवाद बहुत है, तो उसे हम खुद से शुरुआत करें। गुरुवर, मैं पिछले 17 साल से सरकारी सेवा में हूँ और मैंने गुरुवर से संकल्प लिया था कि मुझे रिश्वत नहीं लेना है। अब मैंने जो अपना अनुभव देखा है 17 साल में, मेरे 9 ट्रांसफर हुए हैं और जब भी मैं कुछ भी सख्त कदम उठाता था तो मेरा धड़ा से ट्रांसफर हो जाता था। मैं भोपाल में पिछले 4.5 साल से हूँ, तो अभी मैं जिस जगह पर हूँ वहाँ मुझे बड़े अधिकार अभी पिछले 15 दिन पहले मुझे मिले हैं, जबकि 4.5 साल तक मैं लगभग ऐसे रहा जैसे मेरे कोई काम ही नहीं हो, लूप लाइन में। तो अभी मैं जो मुझे काम मिला है उस काम में अगर मैंने भीतर घुस के काम करना शुरू कर दिया तो मैं जानता हूं मुझे 6 महीने में हटा दिया जाएगा। तो गुरुवर, ईमानदारी के साथ व्यवस्था में लगातार बने रहना और प्रभावी बने रहना, ये कैसे संभव है? देखो 14 साल तो निकाल दिए, 7 ट्रांसफर हुए, कितने हुए? 9 ट्रांसफर, 9 हुए, और 14-18 साल में 8-9 और हो जाएंगे, क्या फर्क पड़ता है? निकाल लो, अपने उसूलों से समझौता मत करो। कम से कम रिटायरमेंट के टाइम में जब तुम्हारा फेयरवेल हो तो ये तो लोग कहेंगे कि सुधीर जैन एक ईमानदार अफसर था, ये पहचान तुम्हारी बने, ऐसी पहचान न बने, बड़ा खाऊ था, सब तरह के लोग ही कहते हैं। तो तुमने अपनी ईमानदारी का परिचय दिया है, मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ। श्रीमती सरिता जैन, श्री सुरेश जी जैन, श्री शिव प्रकाश जी जैन, श्री आनंद जी सर्राफ जैन, श्री एस की जैन, ये जो सभी हमारे गुणाचरण ट्रस्टी हैं, हमारे गुणाचरण सेवा मिशन रक्षक श्री विनीत जी गोथा और पुनीत जी गोथा का सब परिवार सम्मान करेंगे। श्री रतन किशोर जी जैन, वो भी सम्मान के क्रम में अपनी सफलता देंगे और आपसे अनुरोध करूंगा कि इनके सम्मान के क्रम में अपनी तालियों का अवदान देकर के
इनके सम्मान की गरिमा को बढ़ाएंगे। बंधु ये इनके महत्वपूर्ण उपलब्धियों के लिए इनका सम्मान है। आज ये अपनी मातेश्वरी के साथ यहाँ उपलब्ध हैं, निश्चित ही वो विशेष सम्मान के पात्र हैं जिन्होंने ऐसे पुत्र रत्न को पैदा किया है। जोरदार करते अभिनंदन कर दीजिए बंधु। विनीत जी का सम्मान हुआ तो पट्टा आदि पहना करके हमारे सभी सम्मान कर रहे हैं। श्री पंकज जी सुपारी, सुरेश जी जैन, श्री सिद्ध प्रकाश जी जैन, श्री आनंद सभा जी, एस के जैन, श्री रतन कुमारी जैन, ये सब सम्मान कर रहे हैं। पुनीत जी बंधु बहुत ही प्रमोद क्षण है। जीवन में उपलब्धियां तो बहुत होती हैं परंतु ऐसी उपलब्धियां बहुत अनुभव सर्राफ भी सम्मान के इस क्रम में अपना योगदान देंगे। श्री रवि मड़वैया, ये सभी हमारे गुणायतन परिवार के गुणायतन ट्रस्टी हैं और अनुभव सर्राफ हमारे राष्ट्रीय प्रचारक हैं, गुणायतन के प्रचार प्रचारक मंत्री हैं। आज ये सम्मानीय क्रम में बंधु हमारे शिरोमणि संरक्षक के रूप में विनीत जी गोधा, पुनीत जी गोधा का सम्मान हो रहा है और उनके मातेश्वरी का सम्मान, उनकी धर्म पत्नी का सम्मान, सबका परिवार सम्मान हो रहा है। श्रीमती सरिता जी जैन सम्मान में अपना योगदान दे रही हैं। आप तालियों के योगदान से इस सम्मान की गरिमा को बढ़ाते रहे बंधु। ये जीवन की बड़ी महत्वपूर्ण उपलब्धि की है। हाँ, और मैं मोहिनी जी से अनुरोध करूंगा कि आज आप इस क्रम में एक अपनी जिज्ञासा प्रस्तुत करके हम लोग को अनुग्रहित करें। श्री विनीत जी गोधा भैया, एक माइक दीजिए इनको जल्दी सीता से। बोलो। नमोस्तु महाराज। नमोस्तु महाराज। नमोस्तु महाराज। श्री आज की युवा पीढ़ी को जो धर्म को, उनको हम धर्म से कैसे जोड़ें और वो धर्म को कैसे समझें, इसके लिए थोड़ा आप बहुत अच्छा सवाल। ये सवाल हर किसी का है, युवा पीढ़ी को धर्म से कैसे छोड़े। प्राय हम लोग जब भी युवाओं को धर्म से जोड़ने की बात करते हैं तो धार्मिक क्रियाओं की ही बात उनसे ज्यादा करते हैं। हमें चाहिए कि युवाओं को हम इस बात को अच्छे से समझाएं कि धर्म की हमारे जीवन में प्रासंगिकता क्या है, अधर्म के आध्यात्मिक स्वरूप का हमें उन्हें बोध कराना चाहिए। उन्हें इस बात का एहसास कराना चाहिए कि जीवन में स्टेबिलिटी के लिए धर्म लाना बहुत जरूरी है। इसके बिना हम अपने स्ट्रेस को मैनेज नहीं कर सकते, अपने इमोशंस को कंट्रोल नहीं कर सकते, अपने बैड हैबिट्स को नियंत्रित नहीं कर सकते। यदि इस तरीके से हम उनको समझाएं तो हम बच्चों को ज़्यादा अच्छे से धार्मिक बना सकते हैं। हम लोगों की एक कमी रहती है कि हम उनको रिचुअल्स पर ज़्यादा जोर देते हैं, जबकि हमें स्पिरिचुअल पर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। जब वो स्पिरिचुअल से रिचुअल में आएंगे तो उसका ज़्यादा आनंद होगा। तो धार्मिक क्रियाओं के प्रति हम उनको जोड़ें, उनका उत्साह जगाएं, लेकिन धार्मिक क्रियाओं के साथ साथ उनकी आध्यात्मिक चेतना को भी जगाने की कोशिश करनी चाहिए। यदि इस तरीके से बच्चों को हमने धर्म का पाठ पढ़ाया तो मुझे पूरा भरोसा है कि उन्हें कुछ कहने की जरूरत नहीं होगी। मैं एक उदाहरण देता हूँ। दिल्ली का एक परिवार मेरे पास आया तो उनका बेटा बाहर से पढ़ के आया था, तो परिवार के लोगों ने कहा महाराज जी इससे कहिए थोड़ा धर्म करे, धर्म से दूर रहता है। मैं उसकी तरफ देखा, उसने कहा महाराज जी धर्म क्यों करे, पहला सवाल था उसका, धर्म क्यों करे। मैंने कहा क्यों, बोले वही धर्म जो मेरे मम्मी पापा करते हैं, अगर ऐसा है तो मुझे उस धर्म से एलर्जी है। मैंने कहा क्या मामला, बोले महाराज जी मेरे मम्मी पापा रोज सवेरे 5 से 5:30 बजे मंदिर जाते हैं और 9 बजे आते हैं, पर महाराज लड़ते हुए जाते हैं, लड़ते हुए आते हैं, तो ऐसा धर्म करने से क्या फायदा। मैं सोचता हूँ ऐसा धर्म करने की अपेक्षा न करना ही ठीक है। मैंने कहा हो सकता है तुम्हारा अनुभव सही हो, लेकिन धर्म का ये मकसद नहीं है। मैं तुमसे एक सवाल करता हूँ, तुम अपने इमोशंस को, नेगेटिव इमोशंस को कंट्रोल करना चाहते हो, बोले चाहता हूँ। अपने बैड हैबिट्स को छोड़ना चाहते हो, बोले छोड़ना चाहता हूँ। हमने कहा यही तो धर्म है। तो उसने कहा हमारा धर्म का अगर ये रूप है तो मुझे इस धर्म की बड़ी क्यूरियोसिटी, इंटरेस्ट है, आप मुझे बताइए। मेरे पास बैठा, मैंने उसको मोटिवेट किया और वह जुड़ गया। हम लोग धर्म करने की बात करते हैं, मंदिर जाओ, रात में मत खाओ, माला फेरो, ये सब सेकेंडरी चीज है। उनको धर्म के मर्म का बोध करा दीजिए,
तो फिर ज्यादा कुछ कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ओम। हाँ चलिए बंधुओं, अच्छा पुलकित गोधा, बहुत ये तीसरी पीढ़ी है। एडवोकेट एडवोकेट हमारी शिखर चंडी गोधा के पौत्र पौत्र। नमस्ते महाराज जी। महाराज जी मैं ये पूछना चाहता हूँ कि अगर मुझे धर्म की जानकारी लेनी हो तो मैं क्या पढ़ूं, कैसे धर्म की जानकारी लूं? देखो जिन्हें भी धर्म की प्रारंभिक जानकारी लेनी है यूट्यूब पर प्रमाणिक ऐप पे जानिए जैन धर्म का मन, इस टाइटल से मेरे 50 लेक्चर्स हैं, आप उनको सुन लीजिए। जैन धर्म का मर्म आप जान लोगे और फिर इतनी क्षमता आपके पास आ जाएगी कि आप किसी भी ग्रंथ का अध्ययन कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। और कोई पूछेंगे? नहीं बंधुओं, अत्यंत प्रसन्नता है आज हमारे बीच विदिशा से श्री हृदय मोहन जी जैन यहाँ पधारे हुए हैं, जो विदिशा के एक प्रसिद्ध समाज सेवी हैं और वो बड़े ही गुरु चरणों के अनन्य भक्त हैं। मैं उन्हें आमंत्रित कर रहा हूँ। अच्छा मैं श्री सुरेश जी जैन जो अध्यक्ष हैं यहाँ 1100 क्वार्टर के समाज के, उनसे अनुरोध करता हूँ कि हमारे श्री हृदय मोहन जी जैन जो वरिष्ठ समाज सेवी हैं, गुरु चरणों के अनन्य भक्त हैं, उनका सम्मान करें। बंधुओं भावहीना सम्मान करें और सम्मान के क्रम में अपनी तालियों का उदान दे करके हम सम्मानीय गरिमा को बढ़ाएंगे। जब तक सवाल पूछे, जब तक हमारे हृदय मोहन जी अपनी एक बात भी रखेंगे गुरुदेव के समक्ष, अपनी जिज्ञासा भी रखेंगे। परम पूज्य प्रमाण सागर जी महाराज के मंगल चरणों में मैं अपनी ओर से और विदिशा जैन समाज की ओर से नमोस्तु अर्पित करता हूँ। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी। ओ हाँ बहुत सुंदर हो गया। गुरुदेव एक प्रश्न है और एक निवेदन है, ये दोनों में बहुत संक्षिप्त में आपके सामने कहना चाहता हूँ। प्रश्न ये है कि अंग्रेजों ने हमारे ऊपर 200 वर्ष तक राज्य किया और भारत को इंडिया बना दिया, जातिता से सांप्रदायिकता से लोगों को बांटकर उन्होंने हमारे ऊपर हुकूमत की। आज हम आजाद हैं, आचार्य महाराज प्रेरणा दे रहे हैं सारे देश को कि इंडिया से भारत पुनः भारत को बनाओ, लेकिन आज भी वही समस्याएं ज्वलंत हैं। जातिगत समीकरण, सांप्रदायिकता की आग, ये सारे के सारे चीजों को सुलग रही है। इसके लिए महाराज जी आपका संदेश देश के लोगों को चाहिए और इसका समाधान भी आपसे पूछना चाहता हूं। दूसरी बात मेरी महाराज जी ये है कि विदिशा में आपने जो बोया आज वो फल फूल रहा है। आपने समो शरण मंदिर का जो विदिशा के लोगों को एक प्रेरणा दी थी, आचार्य महाराज ने 2008 में उसे मूर्त रूप देने की जो विदिशा में उसका शिलान्यास करवाया था, वो विदिशा आपको निहार रहा है। मेरा आपसे बहुत बहुत विनम्र आग्रह है कि आप विदिशा जल्द से जल्द पधारे। देखिए देश में सांप्रदायिकता और दूसरे तरह के उन्माद जो पनप रहे हैं ये वाकई में बड़ी गंभीर है और इसे हम केवल अध्यात्मवाद के बल पर ही दूर कर सकते हैं। हमें चाहिए कि हम आध्यात्मिकता का प्रचार प्रसार करें, उदात्त जीवन मूल्यों के प्रति लोगों को निष्ठावान बनाएं। यदि ऐसा करने में हम सफल होते हैं तो बड़ा परिवर्तन होगा। लेकिन सबसे बड़ी विडंबना मुझे दिखती है वो ये है कि जब हम परतंत्र थे तो हमारी मानसिकता स्वतंत्र थी, आज हम आजाद हैं मानसिकता गुलाम है। जब तक हमारी मानसिकता स्वतंत्र नहीं होगी तब तक इस तरह की
व्यवस्थाओं को सुधार पाना मुश्किल है। तो हमें वो जगाना है और उसके लिए सांस्कृतिक निष्ठा को जगाने की जरूरत है, राष्ट्रीय चरित्र के निर्माण करने की आवश्यकता है। ऐसा करेंगे तो हम निश्चित सफल होंगे। और जो आपने निवेदन किया है, आपके सौभाग्य से आज चार महाराजों का विदिशा की ओर ही बिहार हुआ है। प्रसाद सागर जी महाराज यहाँ चातुर्मास किए, भोपाल शहर के लोगों को बड़ा लाभ मिला, हम लोग भी एक माह लगभग साथ रहे, आज गुरु आज्ञा से उनका बिहार हुआ। इतने दिन का साथ रहा, बहुत अच्छा साथ रहा। और आप सबको पता है हम लोगों के सारे कार्यक्रम गुरु आज्ञा से बंधे रहते हैं, तो विदिशा वालों को एक लाभ तो मिल ही रहा है, बाकी के लिए प्रतीक्षा करिए। चलिए अब मैं आमंत्रित कर रहा हूँ श्री पंकज जी सुपारी, श्रीमती सरिता जी जैन जो हमारे भोपाल के पूर्व अध्यक्ष और विधान कार्याध्यक्ष रहे हैं, और उसके बाद तैयार रहेंगे डॉक्टर प्रमोद भदौरा इलाहाबाद जो प्रभासगिरी तीर्थ क्षेत्र के अध्यक्ष हैं। महाराज श्री नमोस्तु। मेरा एक छोटा सा प्रश्न है, समय अपनी गति से चलता है और समय पर किसी का वश नहीं होता, पर यह समय यह कहना उचित है क्या? इंसान का हर चीज पर तो वश होता है, पर समय पर क्यों वह वश नहीं होता? मनुष्य चाहता है कि वह समय अपने अनुसार समय को ढाले, किंतु सफल नहीं होता। समय पर किसी का वश नहीं होता, इंसान सबको वश में लत कर लेता है, लेकिन समय पर वश क्यों नहीं कर पाता? देखिए मैं तो ये कहता हूं, समय के ऊपर उसी का अधिकार होता है जो हर समय का सही उपयोग करता है। ये बात सही है कि समय थमता नहीं है, लेकिन समय हमें थाम सकता है। यदि हमने समय का सदुपयोग किया तो समय हमेशा हमारे साथ है, और हमने समय को खोया तो समय हमें कहीं का नहीं रहने देता। इसलिए हम समय के सदुपयोग की कला सीखें, उसे खोना बंद करें। डॉक्टर प्रमोद भदौरा इलाहाबाद प्रभासगिरी के अध्यक्ष, उसके बाद तैयार रहेंगे प्रोफेसर आनंद मोहन जैन भोपाल। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी, समस्त प्रयागवासियों की ओर से नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी, जब से आपके चरण कौशाम्बी प्रभासगिरी क्षेत्र में पड़े हैं, तब से वहाँ का प्रचार प्रसार, वहाँ की तरक्की दिनों दिन उन्नति के रूप में अग्रसर है। महाराज जी, हम लोग चाहते हैं कि आपके चरण कमल फिर से उस क्षेत्र में पड़े, ताकि जो अभी कार्य और अधूरे हैं वो पूर्ण हो जाए। महाराज जी, हम लोग का एक प्रश्न है, महाराज जी प्रयाग में भगवान आदिनाथ जी का केवल ज्ञान हुआ था, और कौशाम्बी में छठे तीर्थंकर भगवान पद्म प्रभु भगवान के चार कल्याणक हुए हैं, और वहां पर 24वें भगवान महावीर का आहार भी हुआ है, तो महाराज जी क्या और भगवान भी उस क्षेत्र में पधारे हुए हैं, क्या ऐसी कोई जानकारी? देखिए उपलब्ध है तथ्यों के आधार पर अभी इसकी विशेष जानकारी नहीं है, लेकिन ये तय है कि प्रयाग और कौशाम्बी हमारी बड़ी सांस्कृतिक नगरी रही है। प्रयाग तो ऐसे हर अर्थ में सांस्कृतिक है, भगवान ऋषभ देव की कैवल्य की स्थली होने के कारण उसका महत्वपूर्ण है ही स्थान, और कौशाम्बी भारत की बड़ी प्राचीनतम नगरी रही है, और उसका जैन संस्कृति से बड़ा गहरा संबंध रहा है। आप लोग भाग्यशाली हो कि वहाँ रह रहे हो, और आपका पुरुषार्थ भी सराहनीय है कि उस क्षेत्र के विकास के लिए आप अपना योगदान दे रहे हैं, आगे देते रहें। हम समेत शिखर से जयपुर के प्रवास के काल में प्रभासगिरी क्षेत्र पर रहे, कौशाम्बी भी गए, प्रयाग भी गए, बड़ा मनोरम क्षेत्र है, बड़ा आनंददायी क्षेत्र है। आप लोग उस क्षेत्र के विकास में लगे हुए हैं, मुझे बहुत प्रसन्नता है, और आशीर्वाद है इसी तरह लगे हुए। प्रोफेसर आनंद मोहन जैन भोपाल हो तैयार रहेंगे गुणेशन ट्रस्टी अंकित सर्राफ IES रायपुर। बोलिए। ओ, 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 नमस्ते महाराज जी,
मेरा प्रश्न जो है रहीम के एक दोहे को पढ़ते पढ़ते निकला। रहीम कहते हैं, जो रहीम उत्तम प्रगति कहा कर सकी कुसंग, चंदन विश्व व्यापत नहीं लिपते रहे भोजन। तो मेरा प्रश्न से ही आया महाराज जी कि जब प्रति हर चीज की प्रतिक्रिया होती है तो ये प्रतिक्रिया प्रवृत्ति से होती है या प्रवृत्ति से प्रतिक्रिया होती है, और कौन किसको प्रभावित करता है? प्रतिक्रिया प्रवृत्ति से होती है, प्रवृत्ति से प्रतिक्रिया होती है, कौन किसको प्रभावित करता है, जो डोमिनेट हो। अगर हमारी प्रकृति उत्तम है जी, तो हम काजल की कोठरी से भी बेदाग निकलेंगे, और प्रकृति हमारी कमजोर है तो हम साधारण से स्थान से भी गुजरे तो अपने दामन को काला कर लेंगे। तो हमें एक बात ध्यान रखना चाहिए, निमित्त का हम पर असर पड़ता है तब जब हमारा उपादान कमजोर होता है। आपके प्रश्न के उत्तर के लिए एक घटना सुनाता हूं। गुरु ने दो शिष्यों को भिक्षा के लिए भेजा, एक बुजुर्ग थे एक जवान। भिक्षाचारी करके लौट रहे थे, रास्ते में नदी पड़ी, नदी उफन रही थी और एक युवती उसमें बह रही थी। जवान शिष्य ने एक क्षण का विलंब किए बिना पानी में छलांग लगाया, उसे तैरना आता था, और उस युवती को बाहर निकाला, अपने बाहों में भरा, लिटाया और उसके मुंह का पानी निकाला, अपने शरीर की उष्मा से उसे गर्मी प्रदान करके उसे चेतना लौटाई। लड़की जब सचेतन हो गई तो वह अपने स्थान से चला गया। ये बुजुर्ग साधु को बड़ा अटपटा लगा, उसे लगा ये तो भ्रष्ट हो गया, जवान साधु युवती को गले लगा लिया, उससे लिपट लिया, उसके ऊपर लेट गया, ये भ्रष्ट हो गया। अंदर बहुत कुछ चल रहा था। दोनों गुरु के पास आए, जवान साधु सब बातों से बेखबर, पर बुजुर्ग साधु ने सारी शिकायत गुरु को कर दी। गुरु ने सब कुछ सुनकर अनसुना कर दिया। दूसरे दिन जवान साधु को फिर से उसी युवती के घर भिक्षा लेने के लिए भेजा। बुजुर्ग साधु ने कहा, महाराज इसको मत भेजो, ये भ्रष्ट हो जाएगा, कल उसके गले लगा था, कल उसके ऊपर लेट गया था, मैं चला जाता हूं, पर तुम्हें जाने की जरूरत नहीं है, इसको भेजो। जवान साधु को भेजा, जवान साधु गया, लौट करके आ गया। अब बुजुर्ग साधु ने कहा कि गुरुदेव आपने ये क्या किया, उस जवान छोरे को भेज दिया जो उसके ऊपर लेटा था, मुझ जैसे बुजुर्ग को नहीं भेजा, क्या मामला है? बोले देख, वो तो उस लड़की को पार लगाया और भूल गया, तू अभी भी अपने गले से चिपटा है। फिर उन्होंने एक नारियल मंगवाया, बोले उसको फोड़ो, फोड़ा दो टुकड़े हो गए। नारियल मंगाया, बोले इसको फोड़ो, फोड़ते ही दो टुकड़े हो गए। फिर दूसरा नारियल दिया, बोला इसको फोड़ो, फोड़ा साबुत गरी गोला निकल गया। बोले बता सकते हो कि ये अंतर क्यों, पहला नारियल क्यों टूटा और दूसरा नारियल क्यों सुरक्षित रहा? बोले इसलिए कि ये कच्चा नारियल था, ये पक्का नारियल था। तो गुरु ने कहा, बस मैं इतना ही कहता हूं, तुम कच्चे नारियल हुए पक्के नारियल। जो कच्चा नारियल होता है वो निमित्त पाकर टूट जाता है, और जो पक्का नारियल होता है उसके सामने चाहे जैसा निमित्त हो साबूत निकलता है। तो पक्का नारियल बनिए, पर कच्चा ही नारियल पक्का बनता है, पर जब तक परिपक्वता नहीं है रिस्क मत लीजिए। इस प्रकार आज के इस सत्र को परम पूज गुरुदेव के चरणों में नमन अर्पित करते हुए यही विराम, बोलिए परम पूज आचार्य गोविंद श्री विद्यासागर जी महाराज की।